and recite the preamble in Hindi. बिजनौर के 22 साल के बच्चे अनस के नाम, जो अपने परिवार के लिए कॉफी की मशीन चलाकर कमाता था, जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, वहां के 21 साल के सुलेमान के नाम, जो यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा था, बच्चों के ट्यूशन कराता था, जिसकी मां ने कल शाम को आंसू भरी आंखों से मुझे कहा कि मेरा बेटा मेरे वतन के लिए शहीद हुआ है। उन सब बच्चों के नाम जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, बिजनौर के ओमराज सैनी के नाम, जिसका परिवार, जिसके 5 बच्चे अभी भी उनका घर पर इंतजार कर रहे हैं, जो अस्पताल में घायल हैं, उन सब के नाम आज हम संकल्प करें कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। मैं भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इति द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका गांधी जी। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट श्री के एच मुनियप्पा जी, हु इज अ सी डब्ल्यू सी मेंबर, टू कम ऑन द डायस एंड रीड आउट द प्रियम्बल इन कन्नड़ा।